हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद वैसलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि काफ़ी दुखद भरी भी है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था NMC की तरफ से 6 जुलाई को, जिसमें बोला गया था कि पूरे इंडिया से 100+ मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई किया था इंस्पेक्शन के लिए, यानी MBBS की सीट्स इंक्रीज़ करने के लिए। उसमें गवर्नमेंट भी थे, कुछ प्राइवेट भी थे, तो उनका सभी का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया था। उन सभी की डिटेल्स जो है NMC ने पब्लिश की थी 6 जुलाई 2024 को, और आज है 8 जुलाई 2024 को। और इसमें NMC की तरफ से बोला गया था कि जितने भी कॉलेजेस हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, किस स्टेट से, क्या उनकी ID थी और क्या कॉलेज का नेम था जिन्होंने अप्लाई किया था, जिसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस थे। और इसमें इनकी तरफ से बताया गया था जो टोटल 113 एप्लीकेशंस आए थे, यानी टोटल 113 मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई किया था गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के MBBS सीट्स के लिए, जिसमें से इन सभी का जो प्रोसेस था, जिसमें NMC आके विजिट करती, वो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद जो इनका रिजल्ट है वो फाइनली जो भी कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट्स पर, यानी उनकी ईमेल आईडी के थ्रू उनको भेज दिया गया था, एक्सेप्ट होने का भी, रिजेक्ट होने का भी। तो उसके बाद कॉलेजेस का क्या रुझान रहा, मतलब क्या उनको एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, कोई ऑफिशियल अपडेट इधर से नहीं आया था, लेकिन कई सारे ऑफिशियली जो न्यूज़ अपडेट्स हैं उनकी तरफ से आया है कि उन्होंने जो अथॉरिटीज़ हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की है, और उसके बाद ये साफ हुआ है कि टोटल 71 कॉलेजेस को यहाँ पर परमिशन नहीं मिली है आउट ऑफ 113 कॉलेजेस, जिसमें UP के जो 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलने थे उसमें से एक को भी परमिशन यहाँ पर नहीं मिली है, जैसा यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने ये आर्टिकल लिखा है। और किसके बेस पर, किससे बात हुई है, ये भी इसमें डिटेल में बताएंगे, किस वजह से इनको रिजेक्ट किया गया है ये भी करेंगे बात, और क्या आगे इनको परमिशन मिल सकती है, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं है। आप सभी को बता दूं, अभी ये फाइनल राउंड नहीं है, अभी जितने भी कॉलेजेस को रिजेक्ट किया गया वो रीअपील कर सकते हैं NMC से कि एक बार फिर से आके विजिट कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बार जब NMC की टीम आए तो कुछ चीज़ों की कमी रहे, तो उसको कुछ टाइम में ठीक करके फिर से ये रीअप्लाई कर सकते हैं, उनको रीअपील कर सकते हैं, और वापस से आके चेक करके सारी चीज़ें अगर सही होती है तो परमिशन दे दी जाती है। अगर उसके बाद भी परमिशन नहीं मिलती है किसी कॉलेज को, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल या वो अथॉरिटी उस स्टेट की मिलकर यूनियन मिनिस्ट्री के साथ फिर से अपील कर सकते हैं परमिशन देने के लिए। तो ये 3 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप हो चुका है। पहले स्टेप में UP के जो 13 कॉलेजेस जिन्होंने अप्लाई किया था, नए कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, उसमें एक को भी यहाँ पर परमिशन नहीं मिली है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज थे उसके 2 प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं, एक में 100, एक में 50, टोटल 150 सीट्स जो इस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बाकी ये लिस्ट तो आपने देख ली होगी, पूरे इंडिया के जो 113 कॉलेजेस थे जिन्होंने MBBS की सीट्स बढ़ने के लिए अप्लाई किया था। अब मैं दिखाता हूँ जो न्यूज़ आउटलेट है वो, यह है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट आई थी, इन्होंने आर्टिकल डाला है इस पर कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस थे, मेनली गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो 13 न्यू कॉलेजेस थे जिनको परमिशन मिलनी थी, लेकिन उन सभी को डिनाई कर दिया गया है NMC की तरफ से। तो इसमें जो हिंदुस्तान टाइम्स की टीम थी, उन्होंने जो UP मेडिकल कॉलेजेस को देखने वाले ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की, और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो 13 मेडिकल कॉलेजेस UP में खुलने थे गवर्नमेंट, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और फैकल्टी इशू होने की वजह से डिनाई कर दी गई है परमिशन, और अब जो है ये फिर से अपील कर सकते हैं ये जितने भी कॉलेजेस थे। यहाँ पर देखेंगे, द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ डिनाइड परमिशन टू 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश टू स्टार्ट MBBS कोर्स अपेरेंटली आफ्टर शॉर्ट कमिंग वर पॉइंटेड आउट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी स्ट्रेंथ। मतलब जो मेन क्राइटेरिया जिसकी वजह से रिजेक्ट किया गया वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर डेवलप नहीं था, या फिर जो वहाँ पर फैकल्टी की ज़रूरत है वो फैकल्टी अवेलेबल नहीं थी, उसकी वजह से रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पर फिर आगे बोला है, उत्तर प्रदेश हैड प्लान टू ऐड 1300 सीट्स इन न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, द स्टेट हैज़ ओवर 10,000 सीट प्रेजेंटली। अभी 10,000 से ज़्यादा हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सीट्स मिला के UP के अंदर, 1300 और सीट्स बढ़ने वाली थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर जो है उनको डिनाई कर दिया गया है अभी के लिए। तो यहाँ पर अपील अंडर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट बाई प्रोविजनल रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल विल सून बी मेड, सेड पार्था सारथी सेन शर्मा, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ऑन संडे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये नेम है इनका, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मेडिकल एजुकेशन है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बताया है, उनका नाम है पार्था सेन, सारथी सेन शर्मा। उन्होंने कहा है कि जो अपील है इन सभी कॉलेजेस के परमिशन के लिए, दोबारा से रेस्पेक्टिव जो प्रिंसिपल हैं उनके थ्रू बोला जाएगा NMC को कि एक बार फिर से विजिट कीजिए, और जो कमियाँ हैं उनको ठीक करने के बाद ही बोला जाएगा ऑब्वियसली। फिर दोबारा से NMC की टीम आएगी, फिर इंस्पेक्शन करेगी, फिर उसके बाद रिजल्ट इनका फाइनल आएगा और फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और उसके बाद भी अगर कुछ कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिलती है तो वो जो है यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में आके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस थे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही जो मैं टोटल बता रहा था कि 71 कॉलेजेस को नहीं मिली है, ये कॉलेजेस तो UP के हो गए जिनको परमिशन नहीं मिली है गवर्नमेंट
58 अदर मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री वर ऑल्सो डिनाइड परमिशन, यानी 13 ये कॉलेजेस जिनको नहीं मिली परमिशन और 58 और कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में जिनको परमिशन नहीं मिली है। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 71 कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन नहीं मिली है, इसमें गवर्नमेंट भी होंगे कुछ प्राइवेट भी होंगे। अभी जो दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है, द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ MBBS वर अपडेट इन 2023, वी आर वर्किंग ऑन द सिचुएशन एंड विद इन 15 डेज वी कैन मेक एन अपील विद द NMC, सेड किंजल सिंह, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली जब यहाँ पर इन्होंने कोट किया है कि ये लाइन किसके थ्रू बोली गई है, तो ये लाइन बोली गई थी जो किंजल सिंह डायरेक्टर जनरल हैं मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड थे जो 2023 में निर्धारित किए गए थे उसकी वजह से उसके बेसिस पर जो है कमी पाई गई है कॉलेजेस में, अब उनको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी अगले 15 दिन के अंदर अंदर, ये सारे स्टैंडर्ड को मैनेज करके यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट करके फैकल्टी को अपॉइंट करके फिर से जो है अपील करेंगे जो रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल हैं NMC को कि दोबारा से आके विजिट करें और परमिशन दें। फिर उसके बाद भी अगर परमिशन नहीं मिलती है, यहाँ पर इन्होंने बोला है इफ NMC डिनाइज परमिशन अगेन, दोबारा से अगर परमिशन नहीं मिलती है, स्टेट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो फाइल एप्लीकेशन विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर ग्रांटिंग लेटर ऑफ परमिशन विच इज़ मैंडेटरी टू टेक एडमिशन। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको NMC से परमिशन मिले। तो अगर दोबारा से डिनाई हो जाती है, परमिशन नहीं मिलती है, तब जो स्टेट मेडिकल एजुकेशन है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर फिर से अपील कर सकती है परमिशन देने के लिए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, मतलब ये है कहने का कि अभी ये लास्ट नहीं है, अभी और कॉलेजेस को भी जो है परमिशन मिलेगी, ये नहीं है कि अगर नहीं मिली है तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी री अपील करेंगे, फैकल्टी हो सकता है अभी कमी हो तो अगले 10-15 दिन में यह है पूरा ऐड करके जो है फैकल्टी को फिर से अपील करेंगे तो मिल जाएगी। और एक और यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस थे 3 UP के अंदर, उनको 150 सीट्स की हर एक कॉलेज में परमिशन मिल गई है। तो आप देखो मतलब कहाँ सिस्टम पहुँच गया है, प्राइवेट कॉलेजेस को परमिशन मिल जा रही है, गवर्नमेंट को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो क्वालिटी को किया जा रहा है, तो बेहतर है कि गवर्नमेंट इस पर काम करे ताकि जल्दी जल्दी NMC परमिशन दे। अगर कहीं पर स्टैंडर्ड मेंटेन्ड ही नहीं है तो परमिशन मिलने के बाद भी क्या होगा, आप वहाँ पर जाकर सीख नहीं पाएंगे। तो और उसके साथ ही जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें सीट एक में 50 बढ़ गई हैं और एक में 100। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट, हालांकि जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा अपडेट आज वो भी आने वाला है, तो जैसे ही कोई उसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़े हैं, थैंक यू।